एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं से डॉक्टर संजय सिंह आज के इस वीडियो में बात करने वाली हूँ हरण यानी हरित की, जो कि एक हर्ब होती है जिसको हम मसालों के रूप में भी उपयोग करते हैं। इसके फ़ायदों के बारे में आज इसके पांच बहुत अच्छे बेनिफिट्स के बारे में मैं आपको बताऊँगी, साथ ही इसको आप कैसे कंज्यूम कर सकते हैं, किन लोगों को इसको नहीं लेना चाहिए और कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए, लेने से पहले क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, इसके बारे में भी बताऊंगी। बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हरड़ या फिर हरित की या फिर इसका साइंटिफिक नेम होता है टर्मिनेला चेबुला, जो कि एक होम्योपैथिक दवा भी होती है टर्मिनेला चेबुला के नाम से, जिसके बारे में मैं डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ। तो उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा कि हरण से जो होम्योपैथिक दवा बनती है उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। आज मैं आपको हरण एज अ हर्ब उसके क्या फ़ायदे होते हैं, पांच जो बहुत इंपॉर्टेंट वाले फ़ायदे होते हैं उसके बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ, साथ ही इसको कैसे कंज्यूम करना है ये भी बताऊँगी। तो हरण का जो सबसे पहला बेनिफिट होता है वो होता है हमारे डाइजेशन के ऊपर, हमारे पाचन तंत्र के ऊपर। अगर आपका पाचन तंत्र सही नहीं रहता है, जब भी आप कुछ भी खाते पीते हैं आपका पेट जो है ख़राब हो जाता है, या फिर आपको गैस इस तरह की समस्याएं होती हैं, जो भी खा पी रहे हैं वो बॉडी में लग नहीं रहा है, इस कंडीशन में ये हर्ब बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। ये हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करती है, हमारे इंटेस्टाइन के इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा संतुलित करती है, जिससे जो भी हम खाते हैं, जो भी न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में जाता है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाता है और हमारी बॉडी को लगता है। साथ ही साथ इसमें लग्जेटिव प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, तो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या, अगर वो रात में हरण का सेवन करते हैं तो उनको जो पेट है खुल के साफ़ होता है, कब्ज की समस्या नहीं रहती। तो पेट से जुड़ी समस्याओं के लिए हरण बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। दूसरा इसका फ़ायदा होता है सर्दी खांसी जुकाम के लिए, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में, इसमें जो है कफ को संतुलित करने का एक पावर होता है। तो ये जो सर्दी खांसी जुकाम लगता रहता है, थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम्स रहती हैं, एलर्जिक टाइप का सर्दी होता रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है जो भी सर्दी खांसी जुकाम की समस्याएं होती है। इसके लिए सर्दी खांसी जुकाम के लिए ऐसा रिकमेंड किया जाता है कि अगर आप हरण यूज कर रहे हैं तो थोड़े से सेंधा नमक के साथ उपयोग कीजिए, तो और ज़्यादा इसके बेनिफिट्स होते हैं। तीसरा इसका बेनिफिट होता है हमारी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। जनरली जब हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, तो हमें जल्दी जल्दी बीमारियाँ नहीं लगती हैं। ऐसे में हरण में बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट और इम्यूनोमॉड्यूलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं और हमें छोटे मोटे जो बार बार रोग आते हैं उनसे बचाती हैं। सो हरण बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाता है इम्यूनिटी को भी बढ़ाने के लिए। फोर्थ इसका बेनिफिट होता है गठिया रोगों में। अगर आपको आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, इस तरह की समस्याएं रहती हैं, तो ऐसे में हरण बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होता है। हरण जो होता है हमारी मांसपेशियों को, हमारी हड्डियों को मजबूती प्रोवाइड करता है और हमारी हड्डियों की हेल्थ को, जोड़ों की हेल्थ को बहुत अच्छे से मेंटेन करता है। तो गठिया रोग जो होते हैं या फिर मांसपेशियों में दर्द की जो शिकायत होती है उसमें बहुत अच्छे से आराम दिलाता है। ऐसा रिकमेंड किया जाता है कि अगर आप गठिया के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, वात जो दोष होता है उसके लिए अगर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप इसको थोड़े से घी के साथ इस्तेमाल कीजिए तो और अच्छा असर देखने को मिलता है। फिफ्थ इसका बेनिफिट होता है बालों के लिए। बाल की जो हेल्थ होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। मैं क्लिनिक में देखती हूँ कि बाल अगर थोड़े से भी लोगों के झड़ने लगते हैं तो सबसे पहले लोग दौड़ के आते हैं, बाकी चीज़ों को थोड़ा अवॉइड कर देंगे, पेट सही नहीं चलता है, थोड़ा बहुत कोई बात नहीं, डाइजेशन सही नहीं वो चलता है, लेकिन बाल अगर थोड़े भी झड़ने लगते हैं तो चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल, चाहे बच्चे, सब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। सो बालों की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ये हर्ब जो होती है बहुत यूजफुल होती है।
इसमें विटामिन सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और सेलेनियम, इस तरह के जो मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, वो सब पाए जाते हैं जो हमारी बालों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बालों का झड़ना भी कम करते हैं, साथ ही उनकी ग्रोथ को भी बहुत अच्छे से बढ़ाते हैं। सो बालों की हेल्थ से अगर आप परेशान हैं तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इस हर्ब को यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। अब बात करते हैं, ये 5 फ़ायदों की तो बात हो गई, अब बात करते हैं कि इसको कितनी मात्रा में लेना चाहिए। तो इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको नहीं यूज करना होता, एक दिन में आप इसकी 1 ग्राम से ज़्यादा जो है यूज ना करें, उपयोग ना करें। साथ ही प्रेगनेंसी में ज़्यादा इसको रिकमेंड नहीं किया जाता है। अगर प्रेगनेंसी में उपयोग ही करना चाहती हैं तो फिर आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए, उसके बाद ही उपयोग कीजिए। बाकी इसको कोई भी यूज कर सकता है, इसको आप चूर्ण बना के भी यूज कर सकते हैं, इसको उबाल के उसका पानी भी यूज कर सकते हैं। सो बहुत ही यूजफुल हर्ब होती है, जनरली घरों में पाई जाती है, नहीं तो आप अपने आसपास के जो जनरल स्टोर्स होते हैं वहाँ से बाय कर सकते हैं, इजली मिल जाता है। अगर बात करें जो हर्ब की है, इसके फ़ायदों की, तो ये बहुत ज़्यादा वाइडली यूज होता है इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन यानी आयुर्वेदिक मेडिसिन में, और वहाँ पे जो दवाइयाँ बनती हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट इंग्रेडिएंट होता है हर्ब। जो त्रिपुरा चूर आता है उसके बारे में ज़्यादातर सबको पता होता है, उसका एक फल जो होता है वो हर्ब ही होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप इसको अपने घर में रखिए, उपयोग कीजिए और इसके रिजल्ट मेरे साथ शेयर कीजिएगा। आज के वीडियो में हर्ब के फ़ायदों के बारे में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप के साथ शेयर कीजिए। साथ ही अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं जहाँ पे मैं हर्ब्स के बारे में, सीड्स के बारे में, सुपरफूड्स के बारे में बताऊं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे एक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।